भोपाल से एक और खबर आपको बता देते हैं, जहां कांग्रेस दावेदारों को हनुमान जी का सहारा है। इससे पहले हनुमान को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी टीवी सीरियल करने वाले हनुमान को उतार चुके हैं, लेकिन अब जो है कमलनाथ के बंगले पर हनुमान चालीसा हो रहा है, क्योंकि हनुमान जी की बहुत जम के पूजा अर्चना की जा रही है। विष्णु विश्वकर्मा के समर्थक हनुमान चालीसा कर रहे हैं। हुजूर से टिकट के दावेदारी कर रहे थे विष्णु, और हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी कांग्रेस के प्रत्याशी बन गए। कांग्रेस सरकार बनाने का संकल्प है विष्णु कह रहे हैं। हुजूर में 51,000 हनुमान चालीसा की बात भी कही जा रही है। रिजवान जुड़े हुए हैं, हनुमान चालीसा का सहारा कांग्रेस के दावेदारों को रिजवान, और अब हनुमान चालीसा किया जा रहा है। बताया जा रहा है विष्णु विश्वकर्मा के समर्थक हनुमान चालीसा कर रहे हैं, क्या कुछ पूरी खबर? देखिए, विधानसभा चुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां हों, नेता हों, वो लगातार जो है तैयारी कर रहे हैं ताकि उनकी जो है सरकार बन सके। इसी कड़ी में कांग्रेस के जो दावेदारी कर रहे थे विष्णु विश्वकर्मा, वो आज जो है यहाँ पर मुख्यमंत्री कमलनाथ के बंगले पर उन्होंने हनुमान चालीसा किया है। हालांकि हुजूर से नरेश ज्ञानचंदानी को जो है कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। और बता दें, विष्णु विश्वकर्मा ने कांग्रेस सरकार और कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प जो है लिया है। संकल्प में हुजूर 51,000 का जो हनुमान चालीसा जो है यहाँ पर किया जा रहा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर मौजूद है, और एक बड़ा हनुमान चालीसा का यहाँ पर कार्यक्रम किया जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। है तो आज विजयदशमी, दशहरे का दिन है, बुराइयों पर अच्छाई की जीत का पर्व, असत्य पर सत्य की विजय का पर्व, लेकिन कांग्रेसी जो हैं हनुमान चालीसा कर रहे हैं।